ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में राज्य खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा मुरारी मार्केट सोलन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिनों तक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल ने किया। इस मौके पर मांगे राम राज्य निदेशक खादी और ग्रामो उद्योग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में ग्रामो उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया। सोलन में राज्य खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा मुरारी मार्केट सोलन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिनों तक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल ने किया। इस मौके पर मांगे राम राज्य निदेशक खादी और ग्रामो उद्योग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में ग्रामो उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में हिमाचल राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में आए लाभार्थियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में उत्पादों के 30 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिनमें हाथ से निर्मित वस्तुओं और खाद्य पदार्थों को रखा गया है। इस मौके पर विधायक कर्नल धनराम शौंडिल ने कहा कि ग्रामो उद्योग आज के आधुनिक दौर में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से पैरों पर खड़े होने के सुनहरी मौका प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो सपना खादी ग्रामो उद्योग के विस्तारीकरण के लिए देखा था, वह आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से खादी ग्राम उद्योग से जुड़े लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, साथ ही और लोगों को भी स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खादी ग्रामो उद्योग सराहनीय कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी कम हो रही है। ये जो आज मुरारी मार्केट में एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही सुंदर प्रयास है और ये हमारी एक प्रकार से विरासत को जीवंत रखने का एक साधन है। मेरा मतलब कि हम अपने ही घर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उन्हीं के सिलसिला जो चलता आ रहा है, आज आधुनिकीकरण हुआ है बहुत सी चीज़ों का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रयास, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग, हमारे दिव्यांग और जो लोग अपना ही एक प्रकार से स्वरोजगार पैदा करने में सक्षम हैं, उन लोगों के लिए ये प्रदर्शनी लगी है। और बहुत ही सुंदर इन्होंने घर के अपने बनाए वस्त्र, अपनी बुने हुए जितने भी उत्पाद, और जैसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उन्हीं के प्रणाम करके आरंभ हुई है ये प्रदर्शनी। जैसे उन्होंने कहा था कि गांव में ही सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। हमारे इसी सिलसिलेवार में मैं समझता हूँ जो हमारी पंचायती राज का प्रयास है, वो भी एक उन्हीं का सपना था और राजीव गांधी ने हमारे 75वें संशोधन में ये पार्लियामेंट में एक अध्यादेश के रूप में भी दिया है, संविधान के संशोधन के रूप में भी दिया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बिगिनिंग है यहाँ पे। और इनके उत्पाद गांव से, चाहे वो अचार है, चाहे चटनी है, चाहे शॉल है, चाहे टोपी है, चाहे दूसरे जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनकी बनाई, नेचर की आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, वो सब मैं समझता हूँ लोगों में एक प्रकार की भावना पैदा करती है कि हमारे जितने भी बेरोजगारी के हमारे पर जो ये थपेड़ लगी है, उसको उससे राहत मिलेगी। इसमें बहुत अच्छी सब्सिडी दी गई है, 25% से 35% के बीच में सब्सिडी दी गई है। और हमारे पुराने जो हमारी सरकार होती थी, जब तब भी मैं खुद सोशल जस्टिस मिनिस्टर था, हमने भी इस प्रकार की बहुत से स्वरोजगार आरंभ किए थे।